नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 8 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ 1 के जे सत्र 1 नी अंदर आवे छे, जेनो नाम छे तेरी है जमी। आ पाठना स्व अध्ययन पोथीना प्रश्नो अने तेना जवाबो विषे शीखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल मां नवा होय तो मारी चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। वीडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जो तुम्हारा आगलना नवा वीडियो पण आपने मळता रहे। तमज विद्यार्थी मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर माथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पट एसटीडी 1-12 गुजराती डाउनलोड करे तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करो। जो तमे शुरू करशो तो तमने आ प्रकार जोवा मळशे, जेमा स्व अध्ययन पोथीनी अंदर धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे, जेमा वीडियो पर क्लिक करशो तो वीडियो जोवा मळशे अने पीडीएफ पर क्लिक करशो तो तमने पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखु छु अमारी एप्लिकेशन आप सौने गमशे, जरूर डाउनलोड करजो। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ पहेलो। सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। पहला, जिस्म शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिस्म यानी शरीर। दूसरा, आफत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो आफत का विलोम शब्द अवसर। तीसरा, अलग शब्द पहचानिए। तो जिस्म अलग शब्द है। चौथा, इस कविता में ओ सबसे बड़े ताकत वाले शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो भगवान के लिए। पांचवा, तेरी रहमत से हम सब ने ये खाली जिज्ञा पाए है? तो जिस्मो जा। प्रश्न 2, एक वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, बच्चे भगवान के आगे कैसे खड़े है? तो बच्चे भगवान के आगे सिर झुका कर खड़े है। दूसरा, हमें यह शरीर किसकी कृपा से मिला है? हमें यह शरीर ईश्वर कृपा से मिला है। तीसरा, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? तो मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। चौथा, आप भगवान से कब प्रार्थना करते हैं? तो हम जब संकट में फंस जाते हैं तब हम ईश्वर प्रार्थना करते हैं। पांचवा, तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट हुआ है। प्रश्न 2, दो तीन वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला, आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, सभी का है तू सभी तेरे का अर्थ समझाइए। तो ईश्वर की इच्छा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है, ईश्वर ही हमें आफतों से दूर करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना, हम तेरे है आप हमारे है। तीसरा प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। चौथा, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। पांचवा, आप भगवान से क्या क्या मांगते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। प्रश्न 3, अपना मनपसंद चित्र चिपका कर उसके आधार पर अपने शब्दों में कविता लिखिए। तो यहाँ पर मेरी माँ, यह चित्र मैंने लगाया है, आप कोई और भी लगा सकते हैं। और उस पर जो कविता है, तो माँ पर कविता, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ, काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ प्यार ये तेरा कैसा है, सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ।
प्रश्न चार, अपूर्ण काव्य को अपने मतानुसार पूर्ण कीजिए। सदा सत्य पथ पर चले हम, दिन दुखियों की सेवा करे हम। अभी रह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है। ना खुदा जिनका नहीं, उनका खुदा होता है। प्रश्न पांच, रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहला वाक्य इस प्रकार होगा, दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए। दूसरा वाक्य, जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया। तीसरा वाक्य, हम तेरे आगे शीश झुकाते हैं। चौथा वाक्य, पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी। पांचवा वाक्य, ये मेरी किताबें है। प्रश्न छह, उपसर्ग व शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। कोष्टक में से योग्य उपसर्ग लेकर दिए गए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो पहले में आएगा प्र, जिससे बनेगा प्रगति। दूसरे में निर, जिससे बनेगा निर्गुण। तीसरे में आएगा वि, जिससे बनेगा विदेश। ब, प्रत्यय ऐसे शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो पढ़ को आई लगाने से होगा पढ़ाई। इंसान को इयत लगाने से होगा इंसानियत। बाबू को आइन लगाने से होगा बाबू आइन। प्रश्न सात, शब्दों को पढ़िए और शब्दकोश क्रम में लिखिए। तो पहला होगा आसमान, ईश्वर, कंचन, क्षमता, खुदा, जमी, दुनिया, दृष्टि, नाविक, प्रार्थना, योद्धा और श्रृंखला। तेरी है जमी काव्य में जो मूल्य निहित है, उन मूल्यों के संदर्भ में सही का निशान कीजिए। तो काव्य में से हमें जो मूल्य मिलते हैं वह है प्रभु के प्रति कृतज्ञता और परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं अपनु काव्य एक तेरी है जमी ना स्वाध्ययन पोथी ना प्रश्नों अने तेना जवाबो छे ते पूरा थाय छे। आगळना पाठना स्वाध्ययन पोथी ना प्रश्नों अने तेना जवाबो मेळवा मारी चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो। तेमज पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर माथी अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु एसटीडी 1-12 गुजराती डाउनलोड करी तमारा मोबाइल मां इंस्टॉल करो, जेना तमने धोरण 8 तमाम विषय ना स्वाध्याय सोल्यूशन स्वाध्याय पोथी सोल्यूशन नी पीडीएफ हो तेमज जो वीडियो जोई शकशो। आशा राखो छो अमारी एप्लिकेशन आप सौने गमशे, जरूर डाउनलोड करजो। फरी मळीशुं नवा वीडियो साथे, त्यां सुधी आवजो।